सुंदरनगर ब्राह्मण सभा ने यज्ञोपवीत संस्कार अनुष्ठान का आयोजन किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जितेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि इस अनुष्ठान का आयोजन परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। उन्होंने बताया कि हर साल यह यज्ञोपवीत संस्कार अनुष्ठान ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत करवाना होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जंगम बाग में यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। ये पिछले 20 साल से कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है। इस बार इस यज्ञ में 29 बच्चे जो हैं जिला मंडी से आए हैं, और ये यज्ञोपवीत संस्कार हर वर्ष भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। इस बार रामकथा का आयोजन किया गया था, तदुपरांत आज उसका समापन हो रहा है, और इसमें बच्चों को संस्कारों में जोड़ने के लिए ब्राह्मण सभा सुंदरनगर इसका भरपूर प्रयास करती है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न कूका विश्ववेदाः। बड़े सुंदर और सुचारू ढंग से जो है वो यहाँ पर यज्ञोपवीत हर वर्ष करवाए जाते हैं, और सारा खर्च जो है तकरीबन ब्राह्मण सभा जो है वह उठाती है। तो हमें ये बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस क्षेत्र में ब्राह्मण सभा के द्वारा जो है वह ये आयोजन परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में अवसर पर जो है वो यहाँ पर करवाया जाता है। हम सभी जो है यहाँ पर एकत्रित होकर के एक इन बच्चों को जो है वो संस्कार देते हैं, और संस्कार में ये भी निहित करते हैं कि हम सभी जो हैं वह भारतीय हैं, हमें जो है अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, अपने अभिभावकों का मान सम्मान, गुरु का आदर, इसीलिए तो ये यज्ञोपवीत जो है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं।